हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल स्वादिष्ट रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है एक स्वीट्स की रेसिपी, जो कि बिहार की फेमस स्वीट्स है, जिसे खुरमा बोलते हैं और अन्य जगहों पर इसे शक्करपारे भी बोलते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज हम लोग बिल्कुल हलवाई जैसा बनाएंगे खुरमा, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, खुरमे को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा। मैंने इस कप के मेजरमेंट से सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबल स्पून घी, मेरा देसी घी है ये। और अभी मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और सॉल्ट डालने से क्या होता है कि जो मिठाइयों का जो स्वीटनेस है ना, वो कंट्रोल रहता है और उसका जो टेस्ट है और बढ़ जाता है। अब मैं इसमें एक अच्छा मोयन दूंगी। मोयन तब तक देना है जब तक कि हमारा मैदा घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बांधने पे वो अच्छे से बंधने लगे। तो ये देखिए, उसकी बाइंडिंग अच्छे से होने लगे। तो ये देखिए कितना अच्छा से मैंने मोयन दिया है, कितने अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो रही है ये देखिए। तो अब हमारा जो मोयन है हो चुका है। अब मैं इसका डो तैयार करूंगी। तो डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर लिया है, यानी हल्का गर्म पानी लिया है, ठीक है। अब मैं इसे धीरे धीरे करके इसमें पानी डालूंगी और इसका डो मैं तैयार करूंगी। जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप के मेजरमेंट से मैंने 1 कप पानी लिया है। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो है सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाऊंगी और इस डो को मैं चिकना करूंगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, डो जो है हमारा अच्छे से चिकना हो चुका है। डो हमारा बिल्कुल ही तैयार रेडी है। अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए इसे रख दूंगी सेट होने के लिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें से मेरा 1/2 कप ही पानी यूज हुआ है। तो पानी बिल्कुल सही से डालें। अब 10 मिनट हो चुका है। अब आइए हम लोग डो को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, डो हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अभी मैंने इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चॉपिंग बोर्ड पे ये मैं रोल कर रही हूँ खुरमे के बेस को, और इसे चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छे से बेलन को इसे अच्छे से रोल करना है। ये जो बेस है ना, बहुत ज़्यादा मोटा या फिर पतला नहीं रहना चाहिए। ये देखिए परफेक्टली एकदम तैयार हो गया है मेरा ये बेस। अब मैं इसे एक नाइफ़ की हेल्प से काटूँगी। ये बिल्कुल पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। इसके साइड्स को हम लोग निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसके सारे एड्स को निकाल दूंगी ताकि इसका जो शेप आए बढ़िया शेप आए। तो ये देखिए, अब इस तरह से हम इसका इसमें कट लगाएंगे खुरमे के, या फिर जिसे शक्कर पारे बोलते हैं उसकी साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इस साइज़ का काट रही हूँ खुरमा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने खुरमा को काट करके तैयार कर लिया है। अब एक पार्ट जो बचा हुआ है उसका भी सेम प्रोसेस से खुरमा काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे खुरमे को काट कर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, गैस पर मैंने एक पैन में ऑयल रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, तो मैं उसमें सारे खुरमों को जो है ऐड कर दूंगी। एक साथ सारे खुरमे को नहीं डालने हैं, जितने आपके पैन में आए उतना डालें और लो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। जितना लो मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कीजिएगा उतना ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। इस तरह से मैं सारे खुरमे को इस तेल में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, खुरमे को तेल में डालने के 2 मिनट बाद हम एक छन्नी लेंगे। छन्नी की हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथों से इन खुरमों को चलाते हुए पकाएंगे, फ्राई करेंगे, ताकि इनमें जो कलर है चारों तरफ से अच्छा कलर आए, गोल्डन ब्राउन, एक साइड से ये जले नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं स्टर करते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है हमारे खुरमों का। मैंने इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे फ्राई किया है। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना है, और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम बचे हुए खुरमों को भी फ्राई कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे खुरमों को फ्राई कर लिया है। अब हम चलते हैं इसका शुगर सिरप बनाएंगे। तो इसका शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने जिस कप से मैदा लिया था उसी कप से मैंने 1.5 कप मैंने शुगर यानी चीनी लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 कप पानी और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, चीनी जो अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसका 1 स्ट्रिंग का जो चाशनी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये देखिए बिल्कुल इस तरह की जब चाशनी बन चुकी थी तो मैंने इसमें खुरमे को डाल दिया था। अब इसको तब तक पकाना है शुगर सिरप के साथ जब तक कि इसके ऊपर शुगर की यानी चीनी की अच्छे से कोटिंग ना हो जाए। और हमें खुरमों को जो डालना है उस समय गैस का फ्लेम ऑफ रहना चाहिए, और खुरमों को डालने के बाद फिर हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। इस तरह से हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए अच्छे से शुगर की कोटिंग होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया कोटिंग हो चुकी है खुरमों के ऊपर शुगर की, शुगर सिरप की। और इसी तरह अब गैस का फ्लेम मैंने जो है ऑफ कर दिया है और इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाया है। तो फ्लेम का भी बिल्कुल ध्यान रखें और इस तरह से कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। इस तरह से देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कंटिन्यूसली इसे स्टर किया है और ये हल्का ड्राई भी हो चुका है। तो अब मैं इसे अब सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा खुरमा जो है बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल मार्केट की तरह बना है ये खुरमा। इसे आप स्टोर करके 1 महीने तक खा सकते हैं। और ये देखिए कितना खस्ता बना है, बहुत ही बढ़िया हमारा खुरमा बना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने घर पे खुरमा बनाइए, इसे हम लोग शक्कर पारे भी बोलते हैं। इसे बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएँ कैसी लगी मेरी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।